सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैं जब भी यहाँ पे गूगल पे में बैलेंस चेक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो गाइस मेरे गूगल पे में कुडेंट चेक बैंक बैलेंस की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे गूगल पे में कुडेंट चेक बैंक बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो गाइस ज़्यादा टाइम गंवाते ना हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस कुडेंट चेक बैंक बैलेंस, ठीक है, इस तरीके का एरर आ रहा है। तो आप लोग क्या करना है, पहले इसको बैक कर लेना, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे देखने मिलता है चेक बैंक बैलेंस, इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरी डिस्प्ले ब्लैक हो चुकी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूपीआई पिन डाल देता हूँ। चलिए गाइस यहाँ पे यूपीआई पिन डाल देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। राइट करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस फिर से यही प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको यही प्रॉब्लम बार बार चेक करने से आ रही है तो आप लोग गाइस क्या करना है, यहाँ पे देख लिया है गो बैक, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। इसके बाद एक और बार बैक कर लेना है, एक और बार बैक कर लेना है, बार बैक कर लेना, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोग गाइस क्या करना है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जब आप लोग प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेते हो तो आपको सर्च बार में टाइप करना है गूगल पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च कर दिया है। इसके बाद आपको गूगल पे को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद चेकआउट कर लेना है कि आपका गूगल पे अपडेट है या नहीं। फिलहाल मेरा यहाँ पे गूगल पे अपडेट नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखने मिल रहा है लीव, लीव की जगह अगर आपका ज्वाइन मिलता है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइस क्या करना है, आप लोगों को गूगल पे को देख लेना क्या है, यह है गूगल पे, इसको लॉन्ग फ्रेश कर लेना है इस तरीके का। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है एफ इनफो। बाय द वे क्या होता है, यहाँ पे कहीं कहीं डिवाइस में एफ इनफो आता है तो कहीं डिवाइस में एफ इनफो नहीं आ रहा है, तो आप लोग परेशान नहीं होना है, बैक आ जाना है। इसके बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना है। बट फोन की सेटिंग ओपन करने के बाद आप लोग नीचे आ जाना है और आप लोग वहां आ जाना है जहां भी आपके आप इंस्टॉल हो जाते हैं, यानी कि सारे के सारे ऐप जहां नज़र आ जाते हैं वहां आ जाना है। जैसे कि आपके फ़ोन में देखने को मिलता है ऐप मैनेजमेंट ऐप सेटिंग या फिर ऐप्स या फिर ऐप इन्फो, ठीक है। तो मेरे फ़ोन में देखने को मिलता है ऐप मैनेजमेंट, इस पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लो ऐप सेटिंग, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कई सारे के सारे ऐप यहाँ पे नज़र आ जाते हैं, तो आप लोग फाइंड कर लेना है गूगल पे, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो परेशान नहीं होना है, सर्च बार में फाइंड करना है गूगल पे, ये है गूगल पे, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोग स्टोरेज एंड कैश पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस क्या करना है, इसको क्लियर कैश कर देना है, ठीक है। इसके बाद बैक आ जाना है और बैक आ जाने के बाद आप गाइस क्या करना, गूगल पे को दोबारा से ओपन कर लेना है, ठीक है। जब गूगल पे को दोबारा से ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। इसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्रोफाइल मिलती है, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखने मिल रहा है बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेना है। तो मेरे गूगल पे में दो बैंक अकाउंट ऐड है, जैसे कि इंसोलेंट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस चेक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक किया है। इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है चेक बैंक बैलेंस, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे ब्लर यानी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी होगी। इसके बाद यूपीआई पिन डाल देते हैं, चलिए मैं यहाँ पर यूपीआई पिन डाल देते हैं। इसके बाद राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे भाई फिर से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको गाइस क्या करना है, बैक आ जाना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख मिल रहा है थ्री डॉट्स, इस पर क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख मिला गेट हेल्प, इस पर क्लिक कर लेना है। गेट हेल्प पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे देख मिला हैविंग इश्यूज है, ठीक है। तो वेल पे यूजिंग गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र प्रॉब्लम की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर एड बैंक अकाउंट प्रॉब्लम आती है इस पर क्लिक किया है, इस पर क्लिक किया है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। तो आपको जो भी यहाँ पे वीडियोस आती हैं यहाँ पे देख लेना है, और आप लोग यहाँ पे हिंदी जानते हो तो आप लोग हिंदी से सेलेक्ट कर लेना है, अगर इंग्लिश ही जानते हो तो आप लोग इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है।
और हम आप लोग दिखा देंगे फिर से बैक आ जाना है तो मेरे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके बाद आप लोग इंसोलेंट बैंक के अकाउंट में ओपन करके दिखाता हूँ और इसका बैलेंस चेक करूँगा। तो यहाँ पे चेक बैलेंस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यूपीआई पिन डाल देता हूँ। चलिए ऐसे यहाँ पर यूपीआई पिन डाल दिया मैंने। इसके बाद राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस मेरा यहाँ पे इंसोलेंट का बैलेंस चेक हो चुका है, ठीक है। तो गाइस ये क्यों इशू आ रहा है, ये इसलिए इशू आ रहा है कि आरबीआई तरफ से कुछ टेक्निकल इशू होता है तो आप लोग वो जल्द से सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बैलेंस चेक नहीं कर पाओगे, आप लोग एटीएम के थ्रू या फिर आप लोग बैंक के थ्रू नज़दीकी शाखा के थ्रू बैलेंस चेक कर पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग अपने बैंक पे आधार रजिस्टर्ड है, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन वेरीफाई है तो आप लोग नज़दीकी शॉप से भी आप लोग आधार केंद्र या फिर जनसेवा केंद्र से भी पैसा चेक कर सकोगे, ठीक है। तो ये टेक्निकल इश्यू के कारण ये यहाँ से पैसा चेक नहीं हो रहा है। अगर होता है तो आप लोग 12 से 24 घंटे का वेट कर लेना है तो वो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपका गूगल पे से बैलेंस चेक करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक बाय।